बिहार के सुपौल जिला मुख्यालय में बिहार सरकार की चल रही नल जल योजना में कार्यरत कई जिलों के पंप चालकों ने अपनी मानदेय को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पंप चालक संघ के अध्यक्ष जयशंकर सुमन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगों को सरकार सुन नहीं लेती तब तक हम लोग एकजुटता के साथ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं संघ के ही एक व्यक्ति ने कहा कि सरकार की ओर से हम लोगों को अभी तक ना तो प्रशिक्षण दिलाया गया है और ना ही कोई मानदेय। उन्होंने कहा कि हम लोग मानदेय को लेकर कई बार विभाग को आवेदन दिए लेकिन हमारी सुनने को कोई तैयार नहीं है। उन्होंने सरकार के पक्ष में अपने एक बात भी कही कि अगर स्वच्छता अभियान एवं नल जल योजना सफल रही तो समाज विकास की ओर अग्रसर होगा। अपने पंप ऑपरेटर साथी भाइयों से के साथ जो अन्याय हो रहा है उस चीज के लिए न्याय के लिए हम लोग जो हैं सुपौल के धरती पर आए हैं कि हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अपने पंप ऑपरेटर बंधुओं के लिए एकजुटता के माध्यम से उसके उचित अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का मानसा बना के सुपौल की धरती पर पधारा। आगे क्या कुछ जो है संदेश देना चाहेंगे सरकार? हम संदेश देना चाहेंगे कि सरकार हमारे पंप ऑपरेटर बंधु को मूर्ख ना समझें। जैसा कि मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को बताना चाहूँगा कि यदि हमारे कोई भाई एक बाइक लेके रोड पर निकलते हैं तो उनके लिए लाइसेंस मांगा जाता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बिहार सरकार के द्वारा हमारे पंप ऑपरेटर बंधु को प्रशिक्षण व प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिलाने का काम किया, जबकि 50 लाख की संपत्ति है। और हम सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय बिहार सरकार का यह कार्य या योजना सबसे उत्तम योजना है, लेकिन इसे धरातल पर नहीं लाया जा रहा है। कहीं न कहीं विभाग और संवेदक की मनमानी के वजह से सारा योजना, क्योंकि जल ही जीवन है, पूरा विश्व जल पर रिसर्च कर रही है और हम भी एहसास करते हैं कि सरकार की योजना यदि धरातल पर आ जाती है तो हमारे समाज में एक स्वस्थ समाज की कल्पना हो सकती है। जब स्वस्थ समाज की कल्पना होगी तो हमारा समाज सुंदर हो सकता है।